अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हो, अदालत की तरफ से पूरा स्टेटमेंट है कि 31 मार्च यानी 29 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक तमाम प्रोसेस वो कंप्लीट किया जाए। 6 मंथ के ड्यूरेशन में टेस्ट दोबारा लिया जाएगा HSC के थ्रू। तो आप लोगों की तैयारी अपनी आज से शुरू करें। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में कहा था, आप लोगों ने बिलीव नहीं किया। आप लोगों ने कहा अलानूर साहब कुछ मतलब आप लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इस तवसुत से अलानूर साहब ने अपनी यूट्यूब चैनल बनाया। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात हम लोग आप लोगों को दे रहे थे तो हमारे पास सोर्स काफ़ी थे और हम लोगों ने आप लोगों को एग्जैक्ट बता दिया। बाकी टेस्ट रिकंडक्ट होगा ये तो सबको मालूम हो गया। सिलेबस आप लोगों का वही है और 31 मार्च और 29 फरवरी ये जो मतलब 2 मंथ है 3 मंथ है, इसके अंदर आप लोगों से फॉर्म वसूल की जाएगी और टेस्ट HSC लेगा और डिवीजन लेवल पर लेगा। स्टेटमेंट देख रहे हो आप मेरे लिए। तो मेरा एक छोटा सा पैगाम है तमाम उम्मीदवारों के लिए। हमने शुरू ही दिन से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहे और मजीद भी देंगे, जो भी अपडेट्स हमारे साथ आते रहते हैं हम लोग आप लोगों को लाजमी देंगे। पर यह कि काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाते हैं लोग और जो ऑथेंटिक सोर्स हमें मिल जाता है हम लोग वही बताते हैं, चाहे मैं बताओ चाहे नूर बलोच साहब बताए चाहे आपको फेसबुक पर मिल जाए। तो मैं तमाम यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली, अब भी वक्त है जो फेल उम्मीदवार है या पास सबके लिए। अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का ये तरीके हैं। तो आप लोग आज ही से, आज या नहीं कल लाजमी स्टार्ट करें अपनी तैयारी। बुक्स बाजार में अवेलेबल है, काफ़ी बुक्स आप लोगों के पास भी है। तो वही सिंपल आप लोगों का जो सिलेबस है वही आप लोगों की बलोचिस्तान बोर्ड के जितने भी बुक्स है और 10th तक तो वो बुक्स शामिल है जो 14 ग्रेड के लिए, JVT के लिए, EST के लिए 15 ग्रेड पर। तो बात बताने का मकसद यह है कि आज इसी तैयारी स्टार्ट कर ले और अब बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों को नहीं दे सकता HSC, क्योंकि ये 3 मंथ दिया है मतलब अदालत ने HSC को, हुकूमत सेक्रेटरी ने, कि HSC 3 मंथ के अंदर प्रोसेस कंप्लीट करे। अब इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि टेस्ट किस तारीख होगा। बस ऐसे आप लोगों को तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि टेस्ट चौथा मंथ में भी हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल या जून में, पॉसिबिलिटीज के जून में हो या अप्रैल की हीड में हो, अब तक फिलहाल नहीं कुछ कह सकते। लेकिन टेस्ट की जो प्रोसेस सब सब कुछ आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हो, तफसीलात आप लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और सबसे पहले आप लोगों को न्यूज़ भी मैंने दिया है। तो ये जो आप लोग कह रहे थे कि प्रोग्राम वरना वरना ऐसे कहते हैं कि प्रोग्राम तो आज फुली बढ़ गया और काफी लोगों का कल शिकवा था कि आप लोग तो सिर्फ फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, हमारे हक में मीन्स पास उम्मीदवारों के हक में फैसला आएगा। देखिए हमने नहीं कहा कि आप पास उम्मीदवारों के हक में फैसला नहीं आ जाए तो बेहतर है, तो नहीं आता। हमें मालूम था कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा, HSC को तलब किया गया, फीस मुकर्रर की गई 1300। अब जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उन्होंने 1300 फीस दोबारा सबमिट करनी है, जो पास उम्मीदवार या फेल ऑलरेडी अब उन्होंने फीस जमा की है उनसे मजीद 280 रुपये मजीद लिया जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला शुरू दिन से शुरू किया था, जब तक SBK है SBK ख़त्म भी हो जाए, ये जो HSC है मजीद जितने भी, हमारा मकसद है कि बी अ कंटेंट क्रिएटर, वीडियोज़ बनाना। अब वीडियोज़ ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव होते हैं, जिनमें कुछ नॉलेज है, जिनमें इंफॉर्मेशन हो। बाकी आप लोग कहीं से भी देख रहे हो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इस दौरान जो हम लोग कह रहे थे कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा, बहुत से लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया कि आप लोग बस सिर्फ अपने से बोल लेते हो, यूट्यूबर्स की तो और काम नहीं बस झूठ बोलना। देखिए एक बात 100% ट्रुथ है तो फिर वो फैक्ट को आप गलत नहीं कह सकते। तो एक चीज़ टेस्ट रिकंडक्ट होने वाला था तो हमने वीडियो बनाया, आप लोगों ने कहा नहीं होगा, तो हो गया आप लोगों के सामने। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। बाकी अपना रखिए ख्याल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जजाकल्लाह।